वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो गाइस आज के व्लॉग में मैं जा रहा हूँ अपने पासपोर्ट बनाने के लिए। तो मैं अभी लिटरली इतना ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मम्मी मेरे से अभी रुकाई में जा रहे हैं। तो मेरे मम्मी ने पापा मेरे साथ जा रहे क्योंकि मैं माइनर हूँ, क्योंकि मैं अपने ओन का वहाँ पासपोर्ट बिना मम्मा और पापा के पासपोर्ट के बिना बना नहीं सकता हूँ। तो फिर वहाँ मम्मी ने मेरे को वहाँ पे एक बात कह रखी है कि वहाँ पे इंटरव्यू लेंगे और मैंने तैयारी भी नहीं की है। तो फिर थोड़ा बहुत डर भी लग रहा है मेरे को कि मैं कैसे करूँगा इंटरव्यू। तो फिर देखते हैं। जब पहले वहाँ पे मैंने आधार अपडेट कराया था, मेरे वहाँ पे फिंगरप्रिंट लिए थे, वहाँ पे आई स्कैन हुआ था। तो फिर शायद से उसमें भी ऐसा ही कुछ हो और क्या पता मम्मी वहाँ पे सच कह रही हो और असली में हो जाए इंटरव्यू और मेरे को कुछ पता ना हो। क्या होगा जो नेक्स्ट होगा वो आपको देखना पड़ेगा। काश पास हो जाऊँ, काश फेल ना हो। ये देखो आशीर्वाद लेते मम्मी का। मम्मी आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो पापा। देखो मैंने आशीर्वाद दे दिया। तो शुभ काम की शुरुआत आशीर्वाद से और जय माता दी गाइस। तो गाइस हम फाइनली पहुंच चुके हैं वहाँ पे, अभी ऑफिस के बाहर पहुंच चुके हैं हम, इस बिल्डिंग के बाहर। काफी जल्दी पहुंच गए हम, जितना एक्सपेक्टेड था उससे काफी जल्दी पहुंच गए। मतलब वहाँ पे था तो अपॉइंटमेंट 9 बज गया था पर अभी 9 बज के वहाँ पे 6 मिनट हो रहे हैं। तो फिर काफी लेट, हम 6 मिनट लेट है। तो फिर अभी वहाँ पे हम ऑफिस में चल गए जिससे हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई और वहाँ पे हमें बहुत दूर जाना पड़ा मास्क लेने के लिए। और पास में यहाँ पे सिर्फ वहाँ पे मास्क मिलते थे कपड़े वाले, बहुत महंगे। तो फिर अभी हम वहाँ पे वापस हम मास्क लेके आए हैं इस बार, तो हमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अभी इस बार। तो गाइस 1 लाइक इज इक्वल टू 1 लाख इंटरव्यू के लिए। तो फिर गाइस पापा भी पार्किंग कर रहे हैं और पापा ने पार्किंग कर दी है, हम बाहर निकल चुके कार से और पापा नहीं, अब पापा भी अभी कार के अंदर ही है। तो अभी मैं और मम्मी चलते हैं पासपोर्ट ऑफिस की तरफ। तो गाइस मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ ऑफिस के अंदर, मैं चुपचाप बना रहा हूँ ताकि किसी को पता नहीं चले। मैंने बैग तो रख दिया यार, मम्मी वहाँ पे जा रही है सामने मेरी मम्मी और पापा, तो कहाँ है वो रे पापा, मम्मी और पापा एक साथ है वहाँ पे। तो फिर मैं अभी चुपचाप बना रहा हूँ। तो फिर अभी ये काफ़ी क्वालिटी है इसलिए आप जी वॉल्यूम फुल कर दीजिए। और यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हैं, यहाँ पर पता नहीं ये क्या चीज़ है। टीवी स्क्रीन्स है, प्रोसेसिंग एरिया है, टोकन सेंटर है, पता नहीं क्या क्या है। मम्मी ने एक बहुत ज़्यादा बड़ा झूठ बोला कि इंटरव्यू होगा, कोई इंटरव्यू नहीं था। जैसे कि मैंने बहुत थंबप्रिंट था, आईरिस स्कैन था और ऐसी चीज़ें थी, बहुत सड़ा हुआ साइन किया मैंने, इंटरव्यू कुछ नहीं था। मैंने झूठ बोला कि क्लिक वेट थी पूरे टाइम। तो फिर अभी तो हम जा रहे हैं फिलहाल साई मंदिर राजपुर रोड। तो फिर अभी हम कार में बैठते हैं। तो गाइस सर पापा ने अपने बैग वहाँ पे अंदर ही छोड़ दिया। तो फिर अभी बाहर पापा बैग लेके आए हैं और हम कार के पास खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये हुआ कि वहाँ पापा ने मेरा डेट ऑफ बर्थ 1971 डाल दी, मम्मी से 6 साल बड़ा। अपने साथ थी, अपने बराबर अपने अपने डेट ऑफ बर्थ डाल दी, डेट कहना की और ईयर अपना। मैं सिर्फ 6 दिन छोटा, आज का ना हो जाता 50 साल का। नहीं 53। तो अच्छा हुआ 6 दिन, 6 दिन छोटा था आपका सुनिए, वरना खाना बुढ़ा हो गया था बस गए हम। इसलिए हमको दोबारा से स्कैन करवाना पड़ा और लेट हो गए, नहीं तो बहुत ही स्मूथली और जल्दी काम हो गया था। बहुत ही बस एक छोटी सी गलती में दोबारा से हमें पूरा दोबारा पूरी। तो हमारी कार तो सामने खड़ी है, कार्रवाई करनी पड़ी। बहुत जल्दी आ क्या हुआ काना इस पब्लिक टॉयलेट में गया और काना को उल्टी आ गई। गंदी बदबू है यार, यहाँ पे साफ ही प्राइवेट पहुँच गए साई मंदिर, साई बाबा देव स्थान। चलो जल्दी गाड़ी आ रही है, जल्दी से क्रॉस कर ली। चौड़ी रोड क्यों नहीं है? क्योंकि ये हाईवे है, रोड नहीं है। अब यहाँ से लेंगे प्रसादा, चल ले लो। तुम कहाँ रख के आगे सूज गाड़ी में, हम वहाँ पे रखते हैं यार। हम तो परसों भी आए थे, जिस दिन हमारी थेरेपी ओवर हुई। चल उठा प्रसाद, अब जाएंगे मंदिर के अंदर। कहना हैंड वॉश कर लेना, वहाँ पे हैंड वॉश करने के लिए, फिर भी वॉश भी कर ले।
जूते उतार के जाओ बेटा। किसने? अच्छा खाना बना रहे हैं साईं बाबा। खाना बना रहे हैं उसमें। आग भी लगी है इसमें। पापा कितना गुस्सा कर रहे हैं, चल जल्दी तुम्हारी वीडियो के चक्कर में। यहाँ पे एक डॉग भी है, नहीं टच नहीं करना उसको, काट देगा। खाना इतना भी धीरे मत बोल। अच्छी कार भी है यहाँ पे, मोर बना के बहुत अच्छे से बाबा के दर्शन कराते हैं आपको। देखो तो मोर, आप हमारे साथ बने रहें। देखो कितना फाइन आर्ट है। बाबा का दरबार दिखाएंगे, साईनाथ का दरबार। ये भी सब इतने डॉग के हैं क्योंकि साईं बाबा सारे जीव जंतुओं को प्रेम करते हैं। साईं बाबा दिखाई दे रहे हैं यहाँ से, दिखाओ उधर पे साईं मेन। यहाँ पे एक पेड़ भी है, रुद्राक्ष का पेड़ है। रुद्राक्ष बोले उसमें रुद्राक्ष माला होती है। माला क्यों है? बीज बनाते हैं। यहाँ पे भजन चल रहा है। हम वापस आ गए जैसे कि पासपोर्ट ऑफिस से साईं मंदिर होते हुए, और कान्हा ने बोला कि मुझे गांधी पार्क के अंदर जाने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गांधी पार्क का गेट बंद है और कान्हा वापस आ रहे हैं मुंह लटकाते हुए। क्या हुआ? उसका टाइमिंग है। बोलो क्या हुआ? टाइमिंग है उसका। टाइमिंग कितने बजे से? 8 बजे तक, सुबह 5 से 8 को 4 से 6:30। एक से मैं तो पूरा दिन वही घुसे रहते, सारे गांधी पार्क के अंदर ही घुसे रहेंगे सब पूरा देहरादून। कुछ खाना है? अब यहाँ पे क्या खाने के लिए? चिप्स। कहाँ पे? इधर लेफ्ट पे। उठा ले। हाँ? उठा ले चिप्स। पैसे? पैसे क्या करने हैं जब वहाँ पे पड़े पड़े। मेरे पास कुछ खाना है तो तू सुबह कुछ खाना है, जैसे वहाँ पे कुछ पड़ा होगा। गांधी पार्क बंद तो कान्हा वहाँ भी नहीं जा सकता। कान्हा को मैंने ऑफर दिया था कि डियर पार्क चलेंगे, लेकिन कान्हा ने वहाँ भी कान्हा की ट्रिक है, कुछ मांगे कुछ खाने है। ये नहीं कि कुछ 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 दे दो खाने के लिए, कुछ कान्हा कुछ खाना है। और कान्हा को पापा ने बोला कि बिल्कुल कुछ नहीं खाना है, हमें तो कुछ नहीं खाना। बाइक का है वो, बाइक का। तो क्या हवा तो भी भर देगा हमारी गाड़ी का? एक टायर में हवा कम हो गई है, हवा भर देंगे। हवा भर दोगे? हवा नहीं, मना कर रहा। ओनली बाइक। आगे है, आगे ये वाला। अब की ऑन तब से, और तब से मम्मी बोले जा रही है। मम्मी दे दो, कितनी बार लगाता मम्मी वहां पर गियर पे पैर? बोर गियर स्टॉपेज। कहां बोलती है? क्या हो गया? बोर गियर स्टॉपेज में खाने। अब मुझे अपने पैर घर रख के आने पड़ेंगे। पैर घर रख के दीदी, महाराज महाराज वाला काम नहीं चलेगा यहां पे। मम्मी आपको पता नहीं ये बिल्डिंग क्या है यार, ये इसमें क्या है? पुराने जमाने की बिल्डिंग, भूत। उसमें पेड़ भी जम गए, भूत है उसमें। है क्या चीज उसमें? लिखा था कुछ उसमें नीचे, देहरादून हेरिटेज। देहरादून क्या लिखा? कहा नशा मुक्ति केंद्र है, है? इधर बंद करके रखना बंदे को। हाँ जो ज्यादा नशा करेगा, जैसे फोन का नशा भी करेगा, जो गेम खेलेगा मुक्ति होगी। कोई भी नशा मुक्ति कर देगा अपने आप को, उसकी नशा की मुक्ति हो जाएगी। वो तो नशा फोन वाला भी हो रहा है आजकल, फोन नशा मुक्ति केंद्र है वहाँ पे, है रिहैब कैंप। तो सब लोग सावधान हो जाएं, फोन ना चलाएं। उसको हॉन्टेड हाउस टाइप की एक बिल्डिंग, मेरी संगत में ना पड़े उसमें रखा जाएगा उसको, कम से कम, कम से कम थोड़ा सा आगे ले। पापा आगे जाके लेफ्ट वहाँ पे सहस्त्रधार क्रॉसिंग है, चले। खाना खाना है तुझे उस ढाबे में? उस ढाबा गए अभी।
जल्दी बोल, खाना तो बोल। हाँ टेस्टी तो होता है। 12 तो बजने वाला है। हाँ ठीक है गाइस, मैं आपको बता दूं उजड़ा ढाबा क्या है। उजड़ा ढाबा एक बहुत ही अच्छा ढाबा है, जैसे हमने बहुत बार खाना खा रखा है। पंजाबी ढाबा, पंजाबी ढाबा बहुत टेस्टी है, बहुत क्वांटिटी मिलता है, बहुत क्वालिटी में मिलता है और बहुत वहाँ पे बहुत क्वांटिटी में रीजनेबल प्राइस पे बहुत टेस्टी है। क्वांटिटी ज्यादा मिलती है? क्वांटिटी अरे अब वो टेस्ट नहीं आता यार उसमें जो पहले आता था, क्योंकि बहुत बार खा चुका है अपने। ये तो पैक करवा लेना, घर ले जाते हैं। घर ले तो बता। तो गाइस हम घर पहुंच चुके हैं, हमने लंच कर चुका है, तो उसके बाद जो भी हम कवर नहीं कर पाए ब्लॉग पे, तो अभी बताया था मम्मी उस टाइम रुक कार में गाली दे रही थी, ब्लॉग अच्छा नहीं बना, तो मम्मी एक्सप्लेन करेगी, देखते हैं। जैसे कि आपने देखा गांधी पार्क में रुके, तो पार्क तो बंद था, वो टाइमली खुलता है इनके वजह से, सुबह 8 बजे तक फिर शाम को 4 बजे से शाम के 8 बजे तक। और उसके बाद हम आए वापस कार में, हवा भराई, और रास्ते में एक हमारा बहुत ही फेवरेट ढाबा है उसदा ढाबा, वो है तहसील के पीछे से प्रिंस चौक। आप जब प्रिंस चौक से पहले जो पेट्रोल पंप आता है उसमें लेफ्ट ले लीजिए और पीछे से रोड आती है जो त्यागी रोड की तरफ, वहाँ पे बहुत ही अमेजिंग खाना बनता है वहाँ पे। और हमने वहाँ पे क्योंकि तब 12 भी नहीं बजे थे, हम लंच वहाँ पे नहीं कर पाए, हम पैक करवा के घर पे लाए। मैं सिर्फ लाई कढ़ाई पनीर दाल मखनी और खीर, वहाँ की खीर तो क्या बताएं बहुत ही अमेजिंग होती है, पानी आ रहा मुंह में। फिर घर आया, मैंने सिर्फ रोटियां और चावल बनाए और खा पी के सब लुढ़क गए, पेट भरी, नियत नहीं भर गया, खाना का तो पेट भरा लेकिन नियत नहीं भरी। लिटरली इसने मेरे से भी सारे पनीर के पीस खा लिए। वैसे पनीर तो खाना का फेवरेट ही है, लेकिन उस ढाबे से तो खाना छोड़ता ही नहीं है। और गाइस मम्मी मेरे को शाम को चिप्स भी खिलाने वाली है, तो फिर थैंक यू मम्मा, लव यू, थैंक यू गाइस, बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।